एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बी गॉर्जियस। मैं हूं निधि और आज मैं करने वाली हूं पैंटीन प्रोवी ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम का रिव्यू। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयल लगाने वाले पर्सन नहीं है, मतलब कि ऑयलिंग आपको इतनी ज्यादा पसंद नहीं है आपने बालों में लगाना, या फिर आपके बाल ऑयली हैं लेकिन तब भी आप चाहते हैं कि बालों को थोड़ा सा नरिशमेंट मिले, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, गोल्डन कलर की, यार मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है ये। और बहुत ही कम आपको प्राइस में बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। 80 ml क्वांटिटी है इसकी और सिर्फ 85 rupees में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। और इसको आप अगर स्टाइलिंग करते हैं, आप ब्लो ड्रायर करते हैं, या फिर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं, कर्लिंग करते हैं, उसे करने से पहले आप इसको लगाइए। आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करेगा, हीट से प्रोटेक्ट करेगा आपके बालों को, और बहुत अच्छा है। अगर आप जैसे कि आपने हेयर वॉश किया है, हेयर वॉश करने के बाद अगर आप मतलब कंडीशनर लगाने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ इसे लगा लीजिए। इसे आपको एक वॉलनट साइज में लेना है, इतना तो इसको आपको लेना ही है जितना एक वॉलनट का साइज होता है, यानी कि एक अखरोट का साइज होता है, इतना आपको इसको लेना ही है। और आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपके बाल छोटे हैं, जैसे कि मेरे बाल छोटे हैं, तो मैं इसको इतना ज्यादा नहीं लेती हूँ, थोड़ा सा ही लेती हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा लेके अपने बालों पे लगा लीजिए। आपको स्टार्टिंग टू टॉप तक लगाना है, सारे बालों में आपको लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि बस आप इसको नीचे नीचे लगा लें। आप जैसे कि आप कंडीशनर लगाते हैं, इसी तरह सारे बालों में लगाइए। रिंस करने की, यानी कि हेयर को वॉश करने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने बालों को वॉश कीजिए शैम्पू से, फिर उसके बाद अपने बालों को वॉश कर लीजिए शैम्पू करने के बाद। उसके बाद अपने बालों को आप ड्राई कर लीजिए, टॉवल से आप उसको सुखा लीजिए। बिल्कुल सुखाने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही आपने सुखा लिए हैं, बस आप उनको टॉवल से पूछ लीजिए। उसके बाद आप इसको लगा लीजिए और बस। आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं है, किसी सीरम की आपको जरूरत नहीं है। सीरम भी आप नहीं लगाना चाहते हैं तो उसका भी रिप्लेसमेंट यही है, आप इसको लगा सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा अच्छा है यार, मैंने इसको अभी मंगाया है, रिसेंटली मैंने इसको देखा था तो मैंने इसको मंगाया। मैं इसको यूज किया है, मैंने इसको 3-4 बार यूज कर लिया है और मुझे काफी अच्छा लगा है। मेरे बाल तो वैसे भी ऑयली है, बहुत ऑयली है, हर दूसरे दिन मेरे को हेयर वॉश करना ही पड़ता है, वरना इतने ज्यादा ऑयल्स आ जाता है और बाल ना बिल्कुल ऐसे चिपके चिपके से हो जाते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा उड़े उड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो उनको बिठाने का तरीका भी यही है। आप थोड़ा सा लीजिए, अपने पाम में लीजिए, थोड़ा सा इसको रब कर लीजिए और अपने हेयर्स पे लगा लीजिए। आपके बाल बहुत आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने हेयर वॉश के बाद तो आप इसको लगा ही रहे हैं, उसके अलावा अगर आपको आपके बाल ड्राई लग रहे हैं तो भी आप इसको लगा रहे हैं, एज ए सीरम भी आप इसको यूज कर रहे हैं, तो आपके बालों को नरिशमेंट मिलना ही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी, देखिए ऑयल ऑयल की जगह होता है और ये जो ये एक सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ ये ऑयल तो देखिए नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। अगर आप ऑयल लगाने का आपके पास टाइम नहीं रहता है तो एटलीस्ट आप इसे लगा के वो कभी पूरी कर सकते हैं, मतलब कि आपके बालों को नरिशमेंट मिल सकता है। लेकिन हाँ, वीक में एक बार तो आप ऑयलिंग कर ही लिया कीजिए, प्रॉपर ऑयल से, जिस भी ऑयल से आप करते हैं उससे आप कर लिया कीजिए। लेकिन हाँ, ये है कि जब भी आप अपने हेयर वॉश करते हैं तब आप इसे यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके बालों को थोड़ा सा ना ये हीट वगैरह से भी प्रोटेक्ट करेगा, पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करेगा और आपको ऑयलिंग भी आपके बालों में हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, जितना भी कुछ लिखा हुआ है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, जितनी जानकारी मुझे इसके बारे में थी मैं आपको बता चुकी हूं। और पैराबिन्स तो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, पैराबिन्स तो यार हर चीज में आजकल पैराबिन आता है। देखिए पैराबिन की तो ये बात है ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत सोचते हैं यार इसमें पैराबिन है, वो पैराबिन है, लेकिन खाने पीने की चीजों में भी तो कितने ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन उन्हें भी तो हम खा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज अवॉइड कर रहे हैं, जो भी चीजें हम खा रहे हैं उनमें भी है। और बाकी आपके बालों के लिए वॉलनट तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, आप वॉलनट खाइए, आपके बालों को बहुत अच्छा रहेगा। आप आलमंड्स खाइए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आप अपने हेयर्स को प्रॉपर वॉश कीजिए, अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप उनको प्रॉपर वॉश कीजिए। ऐसा मत कीजिए, अपने बालों को गंदा बिल्कुल मत रखिए, साफ रखिए, तो आपके बाल कहीं नहीं जाएंगे, ना ही आपके बाल मतलब कि झड़ेंगे ना कुछ होंगे। आप बस प्रॉपर उनकी सफाई रखनी चाहिए और ऑयलिंग आप बराबर कीजिए। बाल झड़ रहे हैं तो बायोटिक का बायो भृंगराज ऑयल यूज कीजिए, बहुत अच्छा है, आपके बालों को ग्रे होने से भी बचाएगा, वो बालों को ग्रे होने से भी बचाता है, बालों को जल्दी से व्हाइट नहीं होने देता है, उस तरह की प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं। तो इसके अंदर काफी सारे ऑयल्स दिए हुए हैं, बस क्रीमी फॉर्म में है और नॉन स्टिकी है, और आप इसे लेकर रेग्रेट फील नहीं करेंगे। पैकेजिंग आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर है, पहले मैंने छोटी पैकेजिंग मंगाई है, अगर मुझे अच्छा लगा सूट करता रहा तो बड़ी पैकेजिंग मंगाऊंगी, पहले छोटी पैकेजिंग ही मंगानी चाहिए जिससे कि सूट कर जाए, तो फिर बड़ी पैकेजिंग मंगाइए। तो अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।